दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए TGT, PGT और ELT ग्रेड के कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में TGT, PGT आर्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं जो सभी पूछे गए प्रश्न होंगे। तो हम आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न लेते हैं। बूदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बूदी के जो लघु चित्र बने हुए हैं, इनका विषय प्रमुख क्या है? ऑप्शन है पशु पक्षी, रागमाला, प्रतिकृति, शिकार। तो ये हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा रागमाला लिया गया है। जो बूदी के प्रमुख लघु चित्र हैं, इनका विषय है रागमाला। प्रश्न नंबर दो लेते हैं, क्योंकि आप लोग का कीमती समय है, इसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। बूदी शैली में चित्रित दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित किया गया है? तो यह हो जाएगा बूंदी शैली में चित्रित दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित किया गया है? बदन सिंह, मोहन, अमरचंद, भवानीदास। तो ये किसका नाम इस पर अंकित किया गया है? मोहन का बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, प्रेमी युगल, दूज का चांद, प्रेमी युगल, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा आपका, मोहन के साथ जाएंगे राइट आंसर। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? ऑप्शन लेते हैं बंगाल ए, बी बूंदी, सी किशनगढ़, डी दक्कनी। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बूदी। इसका प्रमुख चित्रकार सुरजन नामक प्रसिद्ध चित्रकार था। ये बूदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। इसके ऑप्शन के साथ हम जोड़ देंगे, 2000 में पूछा गया प्रश्न आपका है। प्रश्न नंबर चार, बूदी शैली को प्रोत्साहन मिला था, किससे मिला था या किस राजा के द्वारा मिला था? ऐसा भी है, राव सुरजन से, राजा सामंत सिंह से, राजा अनूप सिंह से, राजा देवा से। किससे मिला हुआ था ये? तो राव सुरजन से मिला हुआ था। बूदी शैली को प्रोत्साहन मिला हुआ था, जो बूदी शैली थी उसको बढ़ावा दिया गया था, तो राव सुरजन जी के द्वारा। प्रश्न नंबर पाँच है, भारतीय लघु चित्रों की बूदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ है? राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह, राव उम्मेद सिंह। यह हो जाएगा आपका, राव उम्मेद सिंह हो जाएगा राइट आंसर। ये देखिएगा आपका बेहतरीन प्रश्न होगा, ये प्रश्न आप स्टार कर लीजिएगा, और क्योंकि TGT में और PGT दोनों में पूछा गया प्रश्न है, तो राव उम्मेद सिंह का नाम आता है, जो भारतीय लघु चित्रों की बूदी शैली का उत्कर्ष है, इनके समय में होता है, राव उम्मेद सिंह के समय में। राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की थी? कौन सी शैली थी वो? ऑप्शन थोड़ा चेंज हो रहा है, बूदी शैली को, किशनगढ़ शैली को, अलवर शैली को, कोटा शैली को। इसके पहले वाला प्रश्न अभी हम करवाए हैं, इसी से रिलेटेड ये प्रश्न है आपका छठवां। तो ये बूदी शैली हो जाएगा, क्योंकि राजा उम्मेद, सॉरी, ये हो जाएगा आपका कोटा शैली, ये आपका हो जाएगा कोटा शैली से संबंधित है। राजा उम्मेद सिंह ये किस शैली को मौलिकता प्रदान की थी? तो कोटा शैली आप लगा दीजिएगा, सॉरी भूल हो जाती है कभी कभी। बूदी चित्र शैली की रंग योजना क्या है? धूमिल, चटकोरी, हल्की रंग योजना, स्याही से रेखांकन। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, चटकोली हो जाएगा। वहाँ बूदी की जो चित्र शैली थी, जो वहाँ की रंग योजनाएँ थी, वो चटकोली प्रकार की थी। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं चटकोली बूदी। बूदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो जाता है। इसमें खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग, सोना चांदी रंग, कौन सा हो जाएगा इसमें? तो सोना चांदी रंग का अधिक उपयोग किया गया है बूदी शैली के चित्रों में, सोना चांदी रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपका आसान सा प्रश्न है। बूदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करना है। बंगाली परिदृश्य के स्वरूप, राजस्थानी संस्कृति के रंग, अजंता की चित्रकला के समान, प्राकृतिक परिदृश्य, कौन सा हो जाएगा इसका? राजस्थानी संस्कृति के रंग हो जाएंगे। बूदी चित्रकला के बारे में यही कथन का चयन करना हो, यही सही कथन आपका है। इस टाइप के आपके कई प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी असत्य कथन, कभी सही कथन, और कभी चयन करना, ऐसे प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं TGT और PGT में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को का आंसर देने के लिए हमको विस्तार भी पढ़ना जरूरी होता है, जो प्रश्नों का एक्सप्लेन होता है।
राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? बूंदी शैली, मारवाड़ शैली, अंबर शैली, अलवर शैली। कौन सी हो जाएगी ये? तो बूंदी शैली हो जाएगी। आप बूंदी शैली लगा करके आगे पढ़ेंगे, यही शैली है जो सतरंगी आभा के लिए प्रयोग की जाती है, तो आपकी बूंदी शैली के साथ चलेंगे हम। प्रश्न नंबर है राग दीपक, ये इंपॉर्टेंट होगा, दोनों में पूछा गया प्रश्न है, कई बार रिपीटेड प्रश्न भी है। किस राग दीपक किस चित्र शैली का है? मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली और बूंदी शैली। तो कौन सा हो जाएगा ये? बूंदी शैली हो जाएगा, राग दीपक बूंदी शैली के साथ हम चलेंगे। और एक आपका ये प्रश्न है, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? अब बताना है आपको कौन सा होगा। ऑप्शन लेते हैं, ए कुल्लू, वी मालवा, सी बूंदी, डी मंदी। तो ये हो जाएगा आपका, सी के साथ हम चलेंगे, बूंदी। ये चित्रकला स्कूल जो है कहाँ का है ये? तो ये राजस्थान का है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।